हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई क्रिकेट मैच को लाइव देखते हो तो उसमें इतनी सारी एडिटिंग होती है, इतना फास्ट रन करते ही स्कोर अपडेट हो जाता है, तो ये सब कैसे होता है। तो आप जब गेम में कोई रन बनाते हो तो उसमें तो भैया कोडिंग हो रखे हैं, बॉल बाउंड्री के बाहर जाते ही ऑटोमेटिक 6 रन ऐड हो जाएंगे, लेकिन लाइव में तो भैया कोई कोडिंग वगैरह नहीं हो रखे हैं, वहाँ पर तो सारी चीज़ें मैनुअली की जाती है। तो आखिरकार ये सब इतना फास्ट कैसे होता है। और आपने नोटिस किया होगा कि कॉमेंटेटर जिस बॉल के बारे में बात कर रहे होते हैं, आपको टीवी पर उसी बॉल के प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। तो ये सब आखिरकार कैसे होता है, वो सारी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है, बिल्कुल लास्ट तक देखना। और आपको पता होगा कि मैं एक दो वीक में ऐसे इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं, और आई थिंक ये शायद पार्ट 4 होगा उस सीरीज का। तो चलो दोस्तों, बिना किसी वक्त गवाए आज के इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो को सेवरल पार्ट में कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्कोर लाइव एडिटिंग के बारे में, तो उसमें हम कमेंट्री वगैरह के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। तो फिर हम बात करेंगे कि LBW वगैरह होने से किस तरह से ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है लाइव में एकदम। और फिर फाइनली हम बात करेंगे कि जब एडवर्टाइजिंग वगैरह प्ले होता है तो वहाँ पर लाइव में सारे क्या चीज़ें होता है। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्रिकेट या फिर क्रिकेट जैसे सारे गेम्स में ऑनलाइन एडिटिंग और रियल टाइम फ्रेम स्विचिंग जैसी टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं। तो अब इनमें होता क्या है, तो बेसिकली मैच शुरू होने से पहले ही सारे जगहों पर चारों तरफ से कैमरा सेट कर दिया जाता है, जिससे मैच के दौरान सारे एंगल से फुटेज आपको देखने को मिल सके। तो मैंने जितना पढ़ा है कि करीबन 28 या फिर उससे भी ज्यादा कैमरे सेट किए जाते हैं सिर्फ एक ब्रॉडकास्ट के लिए, जिसमें अल्ट्रा मोशन कैमरा, स्पाइडर कैम ये सब होते हैं। तो उसके साथ ही साथ अल्ट्रा स्लो मोशन कैमरा, स्टॉर्म कैमरा, तो ये सब मिला के तो करीबन मोर देन 40 कैमरास यूज होते हैं। तो अब सारे स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए एक अलग अलग लोग वहां पर बैठा जाता है, और जो मास्टर एडिटर होता है वो सब इनसे कनेक्टेड रहता है। और वो सिर्फ उन लोगों के साथ ही नहीं बल्कि कमेंटेटर के साथ भी कनेक्टेड होता है। और जब कमेंटेटर कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट या फिर कोई बॉल के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो वो कैमरा टीम से बोल के उस स्क्रीन को मेन स्क्रीन पर ले आता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजों के साथ ही साथ आपको एक परफेक्ट सिंक्रोनाइज वाला मैच देखने को मिल पाता है। तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। सपोज विराट ने कवर पर एक शॉट लगाया, ठीक है, तो वहां पर सपोज स्मिथ ने उस कैच को पकड़ लिया है, तो कमेंटेटर जब बोलेंगे कि क्या शॉट लगा है, तो तब बैटिंग स्क्रीन को मेन स्क्रीन पर आपको वो मास्टर एडिटर दिखा देगा। और फिर जब कमेंटेटर बोलेगा कि क्या बेहतरीन कैच पकड़ा है स्मिथ ने, तो जो कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा होगा तो मास्टर एडिटर उसे बोल के आपको कैच वाला स्क्रीन मेन स्क्रीन पर दिखा देता है। तो बेसिकली यही चीजें होती हैं बिहाइंड द सीन्स में। और इतने सारे चीजों के साथ ही साथ आपको एक सिंक्रोनाइज वाला फुल मैच देखने को मिल पाता है। और जब बात आती है लाइव स्कोर अपडेट के बारे में, तो वो भी मास्टर टीम के साथ ही होते हैं। एक पूरी तरह से एडिटिंग की टीम वहां पर रखा जाता है, और रन बनते ही हाई एंड सॉफ्टवेयर के मदद से फुटेज को लाइव में ही अपडेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये सब तो था फुटेज के बारे में, लेकिन अगर कोई LBW वगैरह होता है या फिर एज वगैरह लगता है, तब आपने देखा होगा कि थर्ड अंपायर बोलते ही आपको ग्राफिक्स के साथ ही साथ वो फुटेज भी आपको मेन स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। तो वो सब आखिरकार इतना फास्ट कैसे हो पाता है। तो बेसिकली थर्ड अंपायर भी इन्हीं के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है एडिटिंग के दौरान। तो अंपायर को अगर कोई फुटेज बिग स्क्रीन पर प्ले करने की जरूरत पड़ता है तो वो तुरंत उस टीम को इन्फॉर्म कर देता है, और वो लोग इसको बिग स्क्रीन पर प्ले कर देते हैं। और ग्राफिक्स वगैरह को भी कन्वर्ट करने के लिए उनके पास हाई एंड सॉफ्टवेयर होते हैं, और एक सेपरेट टीम होते हैं जो कि इन सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना जानते हैं, और उन्हीं के मदद से कोई LBW या फिर एज लगने से आपको एक फुल ग्राफिक्स देखने को मिल पाता है। तो गाइस, अभी एक ऐसे चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि आप में से काफ़ी सारे लोग शायद जानते भी होंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं जब एडवर्टाइज वगैरह प्ले होता है तो बेसिकली वहाँ पर लाइव में होता क्या है। तो उस दौरान दोस्तों काफ़ी सारे बेसिक चीज़ें ही होते हैं, लाइक अगर किसी बैट्समैन को वाशरूम वगैरह जाना हो तो वो जा सकता है, हाँ बॉलर को भी लगे तो वो भी जा सकता है, ये थोड़ा लंबा एडवर्टाइज वगैरह के लिए होता है। और जो ओवर एंड में जो एडवर्टाइज प्ले होता है उसमें सारे बेसिक चीज़ें ही होते हैं, लाइक बैट्समैन न्यू स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, अंपायर्स और विकेट कीपर्स अपना जगह चेंज कर लेते हैं, और एडिटर टीम भी जो बिखरा हुआ होते हैं तो उनको भी थोड़ा साइज कर लेते हैं। तो यही सब चीजें होता है बेसिकली। तो दोस्तों, घुमा फिरा के आपको 3-4 घंटे की एक ब्रॉडकास्टिंग दिखाने के लिए उसके 2-3 दिन पहले से ही काफी सारे तैयारी उनको करना होता है, और जिसके लिए वी शुड अप्रिशिएट देम। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं एक दो हफ्ता में ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ, और अगर आपको ऐसे ही और टॉपिक्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तब तो यार लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।